नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। आइए जानते हैं 2 मार्च का दिन 12 राशि के जातकों के लिए कैसा होगा। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे वृष राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। वृष राशि के लोग स्वभाव में बहुत शांत और कोमल होते हैं। इस राशि के लोग अपनी क्षमता को अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें धन संपत्ति और मान सम्मान अच्छा लगता है। इस राशि के जातक कठोर से कठोर फैसले लेने से भी हिचकिचाते नहीं है। बता दें आपको कि इस राशि के लोगों को अनुशासन काफी पसंद होता है और वो इसमें कभी भी लापरवाही बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं। यह लोग दिल से सच्चे होते हैं और किसी भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह लोग अपने सिद्धांतों के प्रति काफी अडिग रहते हैं। वहीं वृष राशि के जातक थोड़े रूढ़िवादी विचार के भी होते हैं और अपने साथी को पूरी स्वतंत्रता नहीं देते हैं। यह लोग बुरे वक्त में गंदी आदतों में भी आसानी से फंस जाते हैं। अपने संकोची स्वभाव के कारण इस राशि के जातक को नए दोस्त बनाने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार बहुत ज्यादा सोचना इन्हें मानसिक रूप से बीमार कर देता है। यह लोग स्वभाव से जिद्दी भी होते हैं। ये थे वृष राशि की विशेषता। अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादी और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालत में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। बिन बुलाए कोई मेहमान आपके घर पर आ सकता है। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की और जानेंगे 2 मार्च का दिन वृष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। किसी पुराने निवेश से आपको मुनाफा हो सकता है। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए अच्छा दिन है। प्यार मोहब्बत की नजरिए से बेहतरीन दिन है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी सकारात्मक सोच पुरस्कृत होगी क्योंकि आप अपनी कोशिश में कामयाबी पा सकते हैं। आर्थिक तौर पर सुधार के चलते आप आसानी से काफी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती करें। और अब बात करते हैं कर्क राशि की और जानेंगे 2 मार्च का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। रचनात्मक शौक आपको सुकून का एहसास कराएगी। आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसे की बचत करने को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। समय और धन की कद्र आपको करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त परेशानियों से भरा हो सकता है। पिता का तलख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहे, इससे आपको फायदा होगा। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपको जल्द से जल्द अपने जज्बातों को काबू करने और डर से आज़ादी पाने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं और अच्छी सेहत का मज़ा लेने से आपको वंचित कर सकते हैं। आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु की चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। और अब बात करते हैं तुला राशि की। दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे जो आपकी सोच पर गहनता प्रभाव डालेगा। वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्मजोशी से भरा व्यवहार आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। यूं तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखकर खुशी से चौंक जाएंगे। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपका तलख रवैया दोस्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है। काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। साझेदारी से संवाद कायम करना बहुत कठिन सिद्ध होगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की और जानेंगे 2 मार्च का दिन धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है।
आंखों के मरीज प्रदूषित जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को और नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मुमकिन हो तो सूरज की तेज रोशनी से भी बचें। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकते हैं। और धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। वैसे दिनचर्या के बावजूद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता से साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु की चोरी होने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। पिता का तलख बर्ताव आपको नाराज कर सकता है, लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहे और इससे आपको फायदा होगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। आपकी कम्युनिकेशन की क्षमता प्रभावशाली साबित होगी। आपका वैवाहिक जीवन एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात समझाने में आप खासी दिक्कत महसूस करेंगे। अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।